दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 3 जून है, थर्सडे का दिन है। आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। तेलंगाना रियासत में कोरोना से मुतासर सबसे ज़्यादा बच्चे हुए हैं। करीब 37,000 बच्चों को कोरोना ने मुतासर किया तेलंगाना में। तेलंगाना हेल्थ अथॉरिटीज़ ने वेनसडे कहा कि 37,332 बच्चे जो 29 साल की उम्र के हैं उन्हें कोरोना वायरस हुआ है मार्च और मई के महीने के दरमियान। इस साल इतना एहतियात करने के बावजूद कोरोना तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के दरमियान। कोरोना की पहली लहर में 19,824 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए थे अगस्त 15 से नवंबर 15 2020 के दरमियान। ऑफिशियल्स का कहना है कि बेड्स, इक्विपमेंट्स और अवेयरनेस ड्राइव्स का इंतजाम किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ इजलास किए और तीसरी लहर पर बातचीत किए। तीसरी लहर की तैयारी करते हुए करीब 5,000 बेड्स तैयार किए जाएंगे बच्चों के लिए। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को मुतासर करेगी। हैदराबाद के जाने माने यशोदा हॉस्पिटल पर कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लेने का लगा इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक अशोक सदानंद नामी शख्स ने व्हाट्सएप पर यह इतला दी कि यशोदा हॉस्पिटल कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी पैसे ले रहे हैं, जिसके चलते डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यशोदा हॉस्पिटल को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस आदमी की कंप्लेन को समझे और आपकी बेगुनाही का सबूत दे, और ये भी कहा कि अगर हॉस्पिटल वाले ऐसा करने में नाकाम हुए तो उनका कोविड पेशेंट का इलाज करने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। हैदराबाद इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD ने ऐलान किया कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी तैयारी कर लेनी चाहिए तेलंगाना रियासत को बारिश से जूझने। बताया जा रहा है कि अगले 5 दिन के लिए लगातार तेज हवाई वाली बारिश होने का अंदेशा है। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ वेस्ट की तरफ से बारिश शुरू होते हुए यहाँ आएगी। IMD ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि बिजली और हवाएँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी, साथ ही तूफानी बारिश भी होगी। हैदराबाद नेकलेस रोड का नाम बदलकर PV नरसिम्हा राव रख दिया गया है। पहले तेलंगाना कैबिनेट ने फैसला किया था कि नेकलेस रोड को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट PV नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाएगा। YS शर्मिला, जो दुख्तर है चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS राजा शेखरा रेड्डी की और बहन है मौजूदा आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी की, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ऐलान किया YSR तेलंगाना पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक YS शर्मिला ने YSR तेलंगाना पार्टी ECI के तहत रजिस्टर किए हैं। वादुगा राजा गोपाल YSR तेलंगाना पार्टी के चेयरमैन रहेंगे ECI के मुताबिक। BJP स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय ने वेनसडे के दिन ऐलान किया कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर BJP पार्टी को ज्वाइन करेंगे ये हफ्ते। बंडी संजय ने कहा, BJP किसी को भी अश्योरेंस नहीं देती है। वाजरे नाजरीन, इटला राजेंद्र पर ज़मीन कब्जा करने का इल्ज़ाम आया थे, जिस पर KCR ने उनके पास से हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो छीन लिया था। फिलहाल CM KCR के पास ही हेल्थ मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो है। इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 1,32,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स दर्ज किए गए हैं और 2,887 कोरोना मरीजों की मौत वाकई हुई है पिछले 24 घंटों में। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडिया के हालातों में सुधार आ रहा है, 6% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स दर्ज कम हो रहे हैं। इस कोरोना वबा के चलते ICU वार्ड्स की कमी होने से हैदराबाद में बसेस को ICUs में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 10 ऑक्सीजन सपोर्ट्स बेड्स दस्तियाब है, मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, CCTV और डॉक्टर्स की 24 घंटे निगरानी है, साथ ही नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन सबका इंतजाम भी है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल ACI इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स की जानिब से 25 मिलियन पैसेंजर्स सालाना इस एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं, इसी सिलसिले में अवार्ड पेशी की गई। लगातार ये चौथी बार अवार्ड हासिल हुआ है।
कोविड 19 वायरस के बाद अब और एक नया वायरस चाइना में रिपोर्ट हुआ है। चाइना में पहली बार पहला केस पाया गया है H1093 स्ट्रेन यानी बर्ड फ्लू का। चाइनास नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये बात कही है। बर्ड फ्लू से मुतासर पेशेंट 41 साल जेनजियांग सिटी से है। उनकी सेहत में सुधार आ रहा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हेल्थ अथॉरिटीज ने कोरोना को पैंडेमिक करार दिया है। इसी तरह बर्ड फ्लू भी दुनिया भर में कहर मचा चुका है और सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू इंडिया में लोगों को मुतासर किया है, लेकिन चाइना में पहला बर्ड फ्लू का केस सामने आया है। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women. IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.